हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स वर्कशीट फॉर क्लास वन। इस तरीके से मैं हर सब्जेक्ट की वर्कशीट लेकर आऊँगी ताकि जो छुट्टियाँ हैं बच्चों की, बच्चे अच्छे से कवर कर पाएँ अपना पूरा सिलेबस। सबसे पहले ये मैंने पूरे सिलेबस की वर्कशीट बनाई है, जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है आपका फर्स्ट क्लास का, इसमें पूरा कवर हो जाता है। सबसे पहले टेंस एंड वंस होता है, बच्चे को वंस और टेंस बताइए कि वंस यहाँ से स्टार्ट करता है और टेंस ये होता है, तो बच्चा बहुत आराम से लिख लेगा। वंस के सामने सेवन और टेंस के सामने फाइव, तो इस तरीके से वह ये पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेगा। देन नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग टेंस एंड वंस, इस तरीके से दीजिएगा और कहिएगा ये कंबाइन करके लिखे, तब बच्चा यहाँ पर कंबाइन करके लिख लेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर लाइन। नंबर लाइन किस तरीके से करनी है, सब्ट्रैक्ट एट फ्रॉम फिफ्टी, फिफ्टी में से एट को सब्ट्रैक्ट करो। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको जो जंप लेने हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि यहाँ पर एट है तो हमें एट जंप लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाउ दिस इज़ आवर आंसर, इट इज़ 42। तो हमारा जो आंसर आया वो 42, तो हमें जो जंप लिए हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को सिखाना है, बताना है, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज दे सकते हैं बच्चे को। नाउ नेक्स्ट वन इज़ राइट द नंबर नेम्स। बच्चे को फर्स्ट क्लास में 100 तक नंबर नेम्स करा दिए जाते हैं, तो आप बच्चे को नंबर नेम्स बताइए और फिर वो आराम से लिख लेगा। जब आप बच्चे को करवाएंगे, याद करवाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से लिख पाएगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन, ये एक चैप्टर बच्चों का ऐड किया जाता है फर्स्ट क्लास में। इसमें मल्टीप्लीकेशन के जो मल्टीप्लाई वाले जो चैप्टर होता है वो कराया जाता है इसमें। अब इसमें आपको देखिए कितने कितनी टाइम्स फाइव लिखा हुआ है, नंबर्स गिनिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें यहाँ पे फाइव लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और फिर देखना है कि कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, फाइव डिजिट हो रही है, तो फाइव फाइव जो 25। इसमें आपके बच्चे को टेबल याद होने चाहिए वन से लेकर फाइव तक के, वन से लेकर फाइव तक के टेबल जब याद होंगे आपके बच्चे को तभी वो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को कर पाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा बच्चे को बताइए, वो लिखेगा। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने बच्चे से करा सकते हैं। देन इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो उसके नीचे लिखे। ठीक है, नाउ अदर एक्सरसाइज है हमारी एडिंग होल टेंस, मतलब 20 प्लस 70 किस तरीके से ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर सिंपल एडिशन है, ये बच्चा कर लेगा बहुत आराम से। उसके बाद है कैरी ओवर वाला एडिशन, ये आप बच्चे को पहले अलग से सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद इस तरीके से एक वर्कशीट तैयार करके देंगे बच्चे को। नाउ सब्ट्रैक्ट विद बोरोइंग, पहले बच्चे को आप प्रैक्टिस कराइए अच्छे से, उसके बाद ये एक्सरसाइज दीजिएगा कि बोरो करके आप सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइम, शो द टाइम ऑन क्लॉक। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं बच्चे को किस तरीके से बताना है। ठीक है, इस साइड आपने ऑलरेडी क्लॉक दिया हुआ है बनाकर, बच्चा यहाँ पे सिर्फ लिखेगा कि क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पर बच्चे को बनाकर दिखाना है कि 9 o'clock आपने दे रखा है, आप बच्चा यहाँ पर बनाकर दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह के एक्सरसाइज हैं जो बच्चा कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एडिंग मनी, मनी को ऐड करना कैसे सीखना है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आपको अवेलेबल नहीं है आपके पास तो किस तरीके से कराया जाता है वो मैं बता दूँगी। और ये एक कॉइन्स भी दिए हुए हैं, ये बीच में जो सर्किल में है, ये सब कॉइन्स हैं और ये नोट है, तो इनको ऐड करके कैसे लिखना है ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स बच्चे को बताइए कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे संडे क्या है, फर्स्ट डे है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो इस तरीके से लिखेगा। ऐसी मंथ्स के नेम भी है। सेम केस विद दिस, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, बच्चे को बताना है कौन सा लास्ट मंथ है, कौन सा फर्स्ट मंथ है, कौन सा फिफ्थ मंथ है, क्या आता है अप्रैल और जून के बीच में, इस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है। और इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो वीक डेज की भी है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, इस तरह के ये एक्सरसाइज हैं जो आप दे सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का टेबल आपने 1 to 5 बच्चे को याद कराया है उससे रिलेटेड आप 1 digit की कोई भी एक्सरसाइज बच्चे को दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, ताकि जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और उसका जो टेबल है वो पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो
इस तरीके से जब आप बच्चे को देंगे करने के लिए एक एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो भी कवर कर लेगा। बस इससे ज़्यादा पूरे सिलेबस में कुछ नहीं होता है, फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही कराया जाता है। बस ये है कि आपको अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी से ध्यान देंगे तो वो आगे बहुत अच्छा कर पाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।